पोलबाजी खिलाने रानी सा आए आए अदो डालो तो बनती है अच्छी चाय जाए 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 एक बार जो जाए रानी सा फिर ना आए इच्छा इच्छा इश्कार रानी सा कैसा है भाई तीन दिन के बाद मुलाकात हो रही है तुझसे रुक जा एक बार चश्मा उतार के देख तो लूं तेरे को बड़ा कमाल लग रहा है सड़कें कैसी लग रही है दीदी के सब बनी हुई नहीं मेरी हेयर ड्रेसर ने बोला ऐसे बना बहुत कूल लगोगे मैंने कहा चल ठीक है तेरा वेलकम है यार पोलबाजी में तीन दिन के बाद तुझसे मुलाकात हो रही है दीदी बहुत खुश है यार दीदी बहुत खुश है अब चूंकि तू आ गया गेम में तो मेरी प्रोड्यूसर कान में चिल्लाना शुरू कर देती तुझे पता ही है तो तू सुन ले गेम के रूल देख 10 मिनट का गेम है ठीक है 5 सवाल पूछूंगी मैं तुझसे 3 दूंगी ऑप्शन और मिलेंगे 10 सेकंड और तुझे ना तेरे हिसाब से तुझे लगता है ना कि सही जवाब है तू बस उस पे ना टैप करती हो बस इतना ही करना तूने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और बाकी का करेगी जनता अगर जनता का भी वही जवाब हुआ ना तो तू बढ़ेगा आगे और ऐसा करते करते अगर 5 के 5 सवालों के दे दी ना तूने जवाब तो 5000 में से समझ रहा है तू ये 1 2 3 4 5 उंगलियां है ना 5000 में से लेकर के जाएगा तू अपना हिस्सा और सुन तेरे बल्ले बल्ले है अगर लाइफ है ना तेरे पास तो बहुत सेट है तेरी जिंदगी ठीक है क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल हो गया कि जनता नहीं दे पाई तू जनता के साथ मिल नहीं पाया तेरा जवाब तो तू आगे लाइफ यूज करके बढ़ लेगा आगे और अगर लाइफ भी नहीं है तो भी तू गेम का हिस्सा बना रहेगा और जवाब दे सकता है तू कितनी सही बात है यार ये और एक बात और सुन दीदी बहुत कमाल की चीजें लाती है जब आती है तो तू यूं कर अभी अभी मतलब अभी पिछले हफ्ते मैंने क्या किया अपने 3 दोस्तों के ना फोन जब्त कर लिए रखे 2 दिन के लिए रखे अपने बाज और बाजी नाउ ऐप कर दिया उनके फोनों पर डाउनलोड अपने नाम का रेफरल कोड देकर के जो किया रानी तू भी यूं कर अरे फोन मत जब्त कर बाजी नाउ ऐप डाउनलोड करा 3 दोस्तों के फोनों में अपने नाम का रेफरल कोड दे करके और जैसे ही तेरे उन 3 दोस्तों ने ना कोई भी गेम खेल लिया ब्रेन बाजी पोल बाजी या बिंगो बाजी तो तेरे पेटीएम वॉलेट में आ जाएंगे 30 रुपए इसको 3 का 30 बोलते हैं ये बोल रही है मेरी प्रोड्यूसर मेरे को कहने के लिए तैयार है तू खुश है तू चल मैं भी खुश हूं क्या करें अब तू और मैं मिलकर के करते हैं शटरअप 8000 से भी ज्यादा लोग हैं जो रानी साहब के साथ आज खेल रहे हैं पोलबाजी पहला सवाल तेरे लिए ये रहा ये बता कि तुझे सबसे कम लोग कहां पे मिलेंगे टेस्ट मैच में केजरीवाल से मिलने वाले लोग या JNU की क्लासेस में देख भाई बहुत ही सिंपल सी बात है मुझे तो पता नहीं होगी ना ये बात क्योंकि मैं तो जहां पे पैर रखती हूँ ना वहीं पे भीड़ हो जाती है अब देख कल की बात बताती तेरे को मैं ऑटो स्टैंड पे खड़ी हुई थी और सारे के सारे ऑटो वाले आ गए दीदी 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 कहाँ जाना है तो मैंने बोला भैया जरा थम जाओ बताऊंगी और फिर उसके बाद दीदी के मन से निकली एक बात अब जो तू सुनेगा भीड़ में तन्हाई में सब्जी बनती कढ़ाई में स्वेटर बनता है बुनाई से सर्दी आने वाली है गुज्जा तू रजाई में कभी कभी ना दीदी की दिल की आवाज ना रैंडम भी होती है बट तू देख रहा है सुर नहीं होगा कभी ऊपर से नीचे ये बात तो समझ लियो है अभी तेरे को बता दूं कि कितने लोगों ने क्या क्या बोल लिया है लोग बोल रहे हैं कि सबसे कम लोग होंगे केजरीवाल से मिलने के लिए है सही बात है क्या ये है सही बात है क्या चल ठीक है जनता बोल रही है तो मान लेते हैं 1800 से ज्यादा लोग है ना इन्होंने कर ली अपनी लाइफ यूज और 4530 लोग क्या करेंगे दीदी के साथ चलेंगे आगे दूसरे सवाल पर और 9000 से ज्यादा लोग है जो दीदी का टैलेंट देख रहे हैं और ये सड़कें भी देख रहे हैं साथ में तैयार है तू प्रोड्यूसर दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं चल ये बता अपनी यात्राओं की इच्छाएं पूरी करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए मतलब लोन लेकर के भाग ले ट्रैवल शो कर ले होस्ट या बन जाए फिर पायलट देख आर्टिस्ट बन करके भी ना तू अपनी ये वाली इच्छा पूरी कर सकता है मगर तेरे को ना उसके लिए चाहिए होगा टैलेंट है तुझ पे देख दीदी को तो ना पैसे मिल जाते हैं ट्रैवल करने के लिए और मेरा ना बहुत ही ट्रैवल रहता है बताओ कहां कहां से रहता है देख नोएडा से गाजियाबाद दमदम से कलकत्ता वाशी से मुंबई पुणे से मगरपट्टा नींबू ज्यादा खा लो तो लगता है खट्टा रोकने पे भी ऑटो ना मिले तो हो गया तेरा खट्टा दीदी ना एकदम बुक रहती है मतलब मोहल्ला टू मोहल्ला भी ना दीदी रिक्शे का भी पैसा चार्ज करती तुझे पता है इतना इतना है दीदी का क्या कहता है उसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर वर्ड बता चल अभी बोल रही है कि जवाब बताती हूँ पहले लोग बोल रहे हैं कि ट्रैवल शो कर लेते हैं होस्ट अरे हम भी खुशी से करेंगे हमको भी बुला लो है अभी 2000 से ज्यादा लोगों ने बोली है ये बात और 625 लोगों ने कर ली अपनी लाइफ इस्तेमाल और 2300 से ज्यादा लोग अब कहाँ चलेंगे तीसरे सवाल पर चलेंगे मेरे साथ देख खुशी बहुत हो रही है मेरे को तो एक साथ मिलकर के क्योंकि 3 दिनों के बाद तेरा चेहरा देखा है ना मैंने प्रोड्यूसर का मुंह तो मैं रोज देखती हूँ यार छुट्टी वाले दिन भी आ जाती है मेरा दिन खराब करने के लिए चल तीसरा सवाल पढ़ देती हूँ ये रहा तेरी स्क्रीन पर ये बता इनमें से क्या इमेजिन नहीं कर पाएगा तू
सोनिया गांधी पिक्चरों में भाई साहब, राखी सावंत प्रेसिडेंट बन गई या अनिल कपूर ने बिकनी पहन ली। दीदी ना आर्टिस्ट है, तो दीदी का इमेजिन तो मतलब डालडे की ना कनस्तर जितना बड़ा है, इतना हो कि दीदी खुद को इंस्पायर करती है और फिर शॉक में आ जाती है क्योंकि दीदी ने खुद को इंस्पायर कर दिया है। और ये बात सुन, अगर अनिल अंकल ने ना बिकनी पहन ली तो उनको ना डैंड्रफ वाले शैम्पू से ना धोनी पड़ेगी बिकनी, बाल इतने हैं ना क्योंकि उनके जो कि टाइम के ना दीदी। और सुन, अगर पहन भी रही ना तो ऐसा लगे क्योंकि स्वेटर के ऊपर पहन ली है। ये भी जोक था, जोक पे जोक। आई एम अंडर रोल, मेरी प्रोड्यूसर ऐसा बोल रही है। और सुन, प्रेसिडेंट के लिए ना हमको हमेशा से बताइए कि नेचुरल होना चाहिए, तो राखी सावंत तो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि वो तो पूरी प्लास्टिक है। और सोनिया गांधी अगर पिक्चर में आ गई तो उस पिक्चर का नाम पता है क्या होगा? क्या दोना यू आर माय सोनिया। और अभी मेरी बताती हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर राखी सावंत बन गई ना प्रेसिडेंट तो ये नहीं इमेजिन होगा इनसे। सही बात है, ये है हमसे भी ना इमेजिन होगा। और ये बात सुन, मैं तो सोनिया गांधी की बात कर रही थी ना, तो मैंने तेरे को बताया अगर वो पिक्चरों में आई तो उस फिल्म का नाम होगा यू आर माय सोनिया, और उसके बाद जब फिल्म का क्लाइमैक्स होगा ना तो फिर ये वाली लाइन बोली जाएगी, कह दिया यू आर माय सोनिया। सही बोली मेरी प्रोड्यूसर, रोल पर भाई मैं आज एकदम। 214 लोगों ने कर ली अपनी लाइफ यूज, 1000 से ज्यादा लोग अब चौथे सवाल पे चलेंगे। दीदी के साथ तैयार है तू? चले रहते तेरी स्क्रीन पर। तेरे हिसाब से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है ना उन्हें करना क्या चाहिए? न्यूज डिबेटे सुन ले, धोनी को देख ले खेलते हुए, या फॉलो कर ले ट्रैफिक रूल? अबे वही सुन, ट्रैफिक रूल फॉलो करेगा ना तो तेरा ना बीपी बढ़ जाएगा। और जिनका ना लो बीपी है ना, अब ये सुनो, पहले तू ये बता कि तेरे को पता है बीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीपी को हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। हाँ तो क्या, हिंदी मीडियम से हूं मैं, एकदम प्राउड है इस बात का दीदी को। हाँ तो तू ये सुन, सोया चाप हो या रक्तचाप, दोनों के लिए नमक जरूरी है बाप। ध्यान रखियो, बीपी बढ़ गया तो बच जाएगी सीटी, बच्चे को खिलाओ मुगली घुट्टी आ आ आ मीठी 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 आ आ आ मीठी 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 मीठी। देखो लोगों ने दे दिया जवाब, लोग बोल रहे हैं कि न्यूज है डिबेट की सुन ले, मतलब न्यूज जो होती है जिसमें डिबेट विबेट चलती होती है, मेरे पापा भी बोलते सुन ले। मैं पापा शोर शराबा ना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, मैं अकेले बैठती हूँ अपने कमरे में और अपने म्यूजिक पे काम करती हूँ, इतना मतलब दीदी की मेहनत और लगन है इसमें, समझ में आ रहा है तेरे को? 91 लोगों ने कर लिया अपनी लाइफ यूज, 551 लोग, ओए होए शगुन का नंबर लग रहा है ये तो है। पांचवें सवाल पर पहुंच गए मेरे साथ, पढ़ दो तेरे लिए पांचवा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मौसम ऐसा ही आ रहा है। ये रहे तेरी स्क्रीन पर पांचवा सवाल, सर्दियों में लोगों को क्या टालना चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए? मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए, नहाना नहीं चाहिए या कपड़े बदलने नहीं चाहिए? देख तेरे को बोल ली थी ना मैं, सर्दियां चूंकि आने वाली है तो एकदम बढ़िया सवाल बना करके भेजा मेरे प्रोड्यूसर ने। अब तू मेरी बात को सुन ले ध्यान से, क्योंकि दीदी मन से बात करती है ना तो मन की बात है, दीदी के सुन ले। मूली के पराठे इनके लिए अलग से गैस मास्क क्यों नहीं बनाते? मैल से कपड़े कड़क हो जाते, इतने गंदे हो गए तो क्यों नहीं नहाते? काटे काटे, वो मैं आग बंद करके से करती क्योंकि फील आ रही थी, मतलब एकदम से यार गाना याद आ गया, तो क्या बोलते प्रोड्यूसर उसको, सीमलेस हो गया ना, इसलिए दीदी ने यहाँ पे जोड़ दिया। कितने लोगों ने क्या बात बोल दी है, लोग बोल रहे हैं नहाना टाल देना चाहिए, मतलब सर्दियों में नहीं नहाना चाहिए। देख नहीं नहाएगा ना सर्दियों में तो मेरे को बताइयो मत ये बात, और उसके बाद अगर तू ऐसा कर रहा है तो मेरे पास में बताइयो, ठीक है, क्योंकि दीदी की नाक बहुत तेज है, दीदी पहचान जाएगी है। 16 लोगों ने कर लिए लाइफ यूज, 405 जो लोग है ना, अरे बढ़िया, मतलब क्या कमाल खेल गए हो। प्रोड्यूसर तू अपनी शक्ल मेरे को रोज दिखाती है, अभी इन लोगों के लिए तू सेलिब्रेशन चला दे। अच्छा हो गया, अच्छा बताती भी नहीं है यार, एक तो वैसे तो चैचे करती रहती है, बट सुनो भैया ये जो 405 लोग हैं बड़ी खुशियां मनाओ भाई। और सुनो अगर तुम सोशल मीडिया पे बाजीनाओं को नहीं फॉलो कर रहे हो, BAAZINOW इतनी सिंपल स्पेलिंग है यार, फॉलो कर ले जा करके, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी है और ट्विटर पे भी है। हाँ फॉलो कर लेगा ना तो तू उसके बाद अपने फोटोएं भेज दियो, अपने वीडियो भेज दियो, और जहां पर रानी सा खड़ी है सोच तू जहां पे मैं खड़ी हूं ना वहीं पे होगा तू। चल अभी बताती हूँ तेरे को कौन कौन जीत गया है, नाम बताओ है प्रोड्यूसर। प्रेम राज, राम कुमारी देवी, क्यूट पायल, शालू भार्गव, मोहित शिवन, खुशबू अभिषेक, प्रेम किरण सा, दीप्ति प्रतीक्षा, बस बस इतने ही हो पाएंगे। 12 रुपए जीत गए भैया, मजे आ गए तेरे तो है।
अब कोई लोड नहीं, ठीक है? अभी तू 12 रुपए जीत गया तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं जीत पाए ना तो 4:30 बजे दोबारा आ जाइयो इसी ऐप पे। हाँ बाजी नाव पे दोबारा बुला रही हूँ तेरे को, 4:30 बजे तू खेल लेगा बिंगो बाजी, उसके बाद रात को 8:30 बजे तू खेलियो ब्रेन बाजी, 9 बजे यहाँ पर होंगी कौन, पप्पी भैया और विधि दीदी, और 1 बजे कल दोपहर में मिनी ब्रेन बाजी खेलने के लिए आई हो तू। है देख लिस्ट लंबी है तो प्रोड्यूसर ने बोला इतनी बात बोलो क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है ना दीदी का, तो फिर चलते हैं यार, क्या करें अब? शटर डाउन करना है, तूने और मैंने मिल करके खोला था तो अब साथ में बंद करते हैं, शटर डाउन, ओके पीस आउट माय होमीज, रणसावल सी यू।